नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy M52 5G versus Xiaomi Poco F3 GT का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy M52 5G में 6.46 इंच जबकि Poco F3 GT में 6.37 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Galaxy M52 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो Galaxy M52 5G में 3.01 इंच जबकि Poco F3 GT में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy M52 5G में 0.29 इंच जबकि Poco F3 GT में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Galaxy M52 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy M52 5G में 173 ग्राम जबकि Poco F3 GT में 205 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Galaxy M52 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy M52 5G में सुपर AMOLED जबकि Poco F3 GT में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy M52 5G में 6.7 इंचेस जबकि Poco F3 GT में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy M52 5G में 86.39% जबकि Poco F3 GT में 86.27% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy M52 5G में 393 पिक्सल प्रति इंच जबकि Poco F3 GT में 395 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy M52 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Poco F3 GT की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy M52 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Poco F3 GT में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy M52 5G में Adreno 642L जबकि Poco F3 GT में Mali G77 MC9 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy M52 5G में Qualcomm Snapdragon 778G और Poco F3 GT में MediaTek Dimensity 1200MT 6893 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 6GB 8GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy M52 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Poco F3 GT में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Galaxy M52 5G में अप टू 1TB जबकि Poco F3 GT में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy M52 5G में 5000 mAh जबकि Poco F3 GT में 5065 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो गैलेक्सी M52 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 25,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 27,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें पोको F3 GT की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 30,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो सैमसंग गैलेक्सी M52 5G में 6 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें शाओमी पोको F3 GT की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में गैलेक्सी M52 5G आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में पोको F3 GT आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी S25 5G है, जो कि 47,999 रुपए में मिलता है। दूसरा ओप्पो रेनो 6 है, जो कि 31,890 रुपए में मिलता है। तीसरा मोटोरोला H20 है, जो कि 29,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme GT Neo 2 5G है, जो कि 31,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।